गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। अपनी बेहतरीन आवाज और गाने के स्टाइल से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले हरी साधु एक काफी पॉपुलर सिंगर हैं। उनके सॉन्ग्स को यंग जनरेशन बेहद पसंद करती है और उनके हर एक म्यूजिक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। आज हम आपको हरी के लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी कोई और हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर एक, रियल नेम। यूं तो हरी अपने निकनेम से ही काफी पॉपुलर हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनका रियल नेम हरदेविंदर सिंह संधू है। उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले उनके को प्लेयर्स ने उनका नाम हरी रख दिया था, क्योंकि उनका रियल नेम प्रोनाउंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाया करता था। नंबर दो, 4 साल की उम्र से था सिंगिंग का शौक। हरी को बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4 साल की उम्र से ही एज अ हॉबी गाना गाना शुरू कर दिया था। नंबर तीन, क्रिकेटर बनने का था सपना। हरी सिंगिंग के साथ साथ क्रिकेट खेलने का काफी शौक रखते थे। इतना ही नहीं, काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक क्रिकेटर बनना है, जिसके लिए उन्होंने मेहनत करना भी शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि उन्होंने पंजाब रणजी टीम के लिए भी क्रिकेट खेला था। नंबर चार, अंडर 19 इंडियन टीम का रहे हैं हिस्सा। आप में से कुछ ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हरी अंडर 19 इंडियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इस टीम में एज अ फास्ट बॉलर उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एल्बो में मेजर इंजरी होने के बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद हरी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वापस आने के बाद उनका फिर से सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनकी किस्मत ने इस बार फिर उन्हें धोखा दे दिया और दूसरी बार उनकी एल्बो में इंजरी हो गई, जिसके बाद उन्हें क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। नंबर पाँच, ट्रेनिंग इन म्यूजिक। क्रिकेटर ना बन पाने की कमी हरी के मन में हमेशा ही रही, लेकिन उन्होंने इसे खुद पर हावी ना होने देकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी हॉबी को अपना करियर बनाने की ठान ली और म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का फैसला ले लिया। इसके बाद उन्होंने 18 मंथ तक वोकल ट्रेनिंग ली। उन्होंने फोक और क्लासिकल सिंगिंग के लिए अपने मेंटोर निर्मल सिंह से ट्रेनिंग ली और इसके बाद उन्होंने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम को रिलीज करने का डिसीजन लिया। नंबर छह, 2012 में रिलीज किया पहला एल्बम। सिंगिंग में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद काफी टाइम तक हरी अपने म्यूजिक एल्बम को रिलीज करने के लिए स्ट्रगल करते रहे और फाइनली साल 2012 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम टकीला शॉट रिलीज हुआ। अपने म्यूजिक एल्बम से हरी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उनका ये म्यूजिक एल्बम उन्हें नेम और फेम दिलवा पाने में नाकामयाब रहा। नंबर सात, क्विट करना चाहते थे एज अ सिंगर। अपनी पहली म्यूजिक एल्बम को ज्यादा रिकॉग्निशन ना मिल पाने की वजह से हरी काफी डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर उनका नेक्स्ट सॉन्ग भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो सिंगिंग क्विट कर देंगे। नंबर आठ, रिकॉग्निशन। अपने दूसरे सॉन्ग के लिए हरी फेमस सिंगर बी प्राक और लिरिसिस्ट जानी से मिले, जिसके बाद साल 2013 में उन्होंने सोच सॉन्ग को रिलीज किया। ये एल्बम इतना हिट हुआ कि हरी को स्टार बना दिया। इस सॉन्ग में हरी सिंगिंग के साथ साथ एक्ट करते हुए भी नजर आए थे और उनके इस वीडियो को लोगों ने बेहद प्यार दिया था। नंबर नौ, म्यूजिक अवार्ड। सोच सॉन्ग के जबरदस्त हिट होने के बाद हरी ने जोकर सॉन्ग को भी रिलीज किया और ये भी एक जबरदस्त हिट रहा। साल 2014 में अपने बेहतरीन म्यूजिक ट्रैक्स के लिए हरी ने PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड फॉर द मोस्ट रोमांटिक बैलेड ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। नंबर 10, डेब्यू एज एन एक्टर। साल 2014 में हरी ने एज एन एक्टर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। वो पहली बार 11 द कैचअप में एज एन एक्टर काम करते हुए नजर आए। ये एक पंजाबी कॉमेडी मूवी थी जिसे अभय बैजू छाबड़ा ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये मूवी एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। नंबर 11, 500 मिलियन व्यूज। साल 2017 में आए नाह सॉन्ग ने यूट्यूब पर ऐसा धमाल मचाया कि हरी नेशनल लेवल सुपरस्टार बन गए। इस सॉन्ग ने 500 प्लस मिलियन व्यूज गेन किए, जो ये साफ दर्शाता है कि लोग हरी को कितना पसंद करने लगे थे। इसके बाद आए क्या बात है सॉन्ग ने भी 500 मिलियन व्यूज गेन करके रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। नंबर 12, हॉबीज। देखिए, बात करें अगर हरी के हॉबीज की तो उन्हें डांस करना बेहद पसंद है और वो कितने अच्छे डांसर हैं ये हम उनके वीडियोस में ही देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जिमिंग भी उनकी हॉबी लिस्ट में इंक्लूडेड है।
और खुद को फिट रखने का पैशन उन्हें जिम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। नंबर 13, फूड लवर। मुंडा पंजाबी हो और खाने का शौक ना रखता हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बता दें कि हार्डी खाने के बेहद शौकीन हैं और वो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। उन्हें अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना काफी पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें मीठा खाना पसंद नहीं है और वो अक्सर स्वीट्स को अवॉइड करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 14, डांसर। बचपन से ही हादी को डांस का भी शौक रहा है और अपने स्कूल कॉम्पिटिशन में वो अक्सर एज अ डांसर परफॉर्म भी किया करते थे। इतना ही नहीं, एज अ टीनेजर लगभग 4 सालों तक उन्होंने भांगड़ा करने की ट्रेनिंग भी ली थी। नंबर 15, ह्यूज फैन ऑफ अरिजीत सिंह। देखिए, बात करते हैं अगर हार्डी के फेवरेट सिंगर की, तो आपको बता दें कि उन्हें द मोस्ट फेमस अरिजीत सिंह बेहद पसंद है और हार्डी खुद को उनका बहुत बड़ा फैन बताते हैं। उनका कहना है कि अरिजीत के हर सॉन्ग में कुछ अलग और यूनिक सुनने को मिलता है। नंबर 16, डिसअपॉइंटमेंट विद द रीमेक ऑफ सोच। एयरलिफ्ट मूवी का सोच सॉन्ग अपने आप में एक सुपरहिट सॉन्ग रहा था, लेकिन आपको बता दें कि इसके रिलीज होने से हार्डी काफी निराश हुए थे, क्योंकि मेकर्स ने उन्हें जानकारी दिए बिना ही इस सॉन्ग का रीमेक बना दिया था। नंबर 17, एनिमल लवर। आपको शायद पता नहीं होगा कि हार्डी को पेट से काफी प्यार है। इतना ही नहीं, उनके खुद के पास 2 पेट्स हैं, जिनमें से पेट डॉग का नाम है जूनो और पेट कैट का नाम है स्नोई। हार्डी अक्सर इनके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 18, डेब्यू इन बॉलीवुड। 23 दिसंबर को रिलीज हुई 83 मूवी से हार्डी सांधू ने एज एन एक्टर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। इस मूवी में हार्डी ने क्रिकेटर मदन लाल का रोल प्ले किया है। अपने इस रोल के लिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बॉलिंग एक्शन का वीडियो बनाकर डायरेक्टर कबीर खान को भेजा था, जिसे देखने के बाद वो हार्डी के एक्शन से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने हार्डी को ये रोल दे दिया। नंबर 19, वेंट इन डिप्रेशन। एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग देने के बाद हार्डी को ये कहा जाने लगा कि वो सिर्फ एक ही टाइप के सॉन्ग गा सकते हैं। इस ट्रोलिंग की वजह से हार्डी डिप्रेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से वो 6-7 महीनों तक गाना नहीं गा पाए थे। नंबर 20, रिलेशनशिप। बात करें अगर हार्डी के पर्सनल लाइफ की, तो हार्डी काफी टाइम से मॉडल जीनत सांधु के साथ रिलेशनशिप में है और अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, हार्डी ने जीनत के नाम का टैटू अपनी लेफ्ट आर्म पर बनवाया हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर कितने सीरियस हैं। तो दोस्तों, ये थे हार्डी सांधू के लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।